नमस्कार भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रैंड लीग में आप फर्स्ट रैंक कैसे लाएंगे। यानी कि ग्रैंड लीग का जो यूनिक टीम होता है, बेहतरीन टीम जो होता है, जो टीम आपका टॉप 10 रैंक में आ सके, वो विनिंग टीम आप कैसे बना सकते हैं। देखो, बहुत सारे भाइयों का कहना ये है कि ग्रैंड लीग का एक यूनिक टीम कैसे बनाए, इसके ऊपर जो है आप वीडियो बनाओ। तो फाइनली हम आज के इस वीडियो में आपको सिखा देंगे कि आप ग्रैंड लीग का टीम कैसे बनाएंगे। देखो, बहुत सारे ऐसे यूजर हैं फैंटेसी का जो काफ़ी हद तक गलती कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा, मतलब 2 से 3 ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं, उसी मिस्टेक के कारण जो है उनका ग्रैंड लीग मिस हो रहा है। अगर वो मिस्टेक वो ना करे तो ग्रैंड लीग डेफिनेटली विन करेंगे। तो वो कौन सी गलती है जिसको आपको नहीं करना है, और इसके साथ 2 ऐसे ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप हर एक प्लेयर्स के बारे में जान जाओगे कि वो प्लेयर्स आज कैसा कर सकता है, उस प्लेयर्स का फॉर्म क्या है, और किसी ऐसे बॉलर्स को आप जान जाओगे कि मतलब कि वो बॉलर्स कैसा है आज के मैच में, उसे हम कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं या नहीं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, कंप्लीट देखिएगा। और साथ साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इजीली जुड़ सकते हैं। जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको कोई भी मैच को कवर करता हूँ तो उसका फाइनल टीम प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे क्रिकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए आपके लिए जुड़ना जो है काफ़ी ज़रूरी है। तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मैंने टॉप में पिंट कर दिया है लिंक, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। देखो गाइस, ये ग्रैंड लीग का जो फंडा है इसे आपको समझना होगा। अगर आप समझ गए तो आपका जो है विनिंग टीम बनेगा, अगर आप नहीं समझे तो फिर उसी तरह से आप जब शुरू शुरू में टीम बनाओगे तो आपको लगेगा कि हम इस टीम से ग्रैंड लीग विन करेंगे, लेकिन जब मैच एंड होगा तो वहाँ पे आपको केवल और केवल मिलेंगे क्या, 49, यानी कि एंट्री प्राइज। तो अगर आप समझ के टीम लगाते हो तो भाई देखो, एक दिन ना एक दिन आप ग्रैंड लीग विन करोगे। मैं ये आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि कल ही आप विन कर जाओगे, परसों ही विन कर जाओगे, लेकिन आप जो है यूनिक टीम बनाने की तरीका समझो, ठीक है। अगर यूनिक टीम बनाओगे तो ग्रैंड लीग आज नहीं तो कल होगी, लेकिन आपका रैंक जो है टॉप में आएगा, ठीक है। 1 से लेकर के 100 के आसपास में आपका रैंक हमेशा आएगा। तो बस आपको टीम बनाना सीखना है, लॉजिक क्या है वो लॉजिक लगाना, कैसे है अपने टीम में वो चीज़ें आपको सीखना है, ठीक है। गलती जो कर रहे हो वो गलती आपको क्यों नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप जो है गलती क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन कर ले रहा हूँ, गलती के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, कोई भी एक मैच है, मान लीजिए कि यहाँ पर 100 का सीरीज चल रहा है, इसमें एक मैच है, कोई भी एक मैच हो, ठीक है, लंदन स्पिरिट और इसके साथ मैच हो रहा है यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ओरिजिनल के बीच में, ठीक है। तो उस मैच को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये वुमेन्स वाला है, और यहाँ पे देख सकते हो लंदन स्पिरिट और मैनचेस्टर ओरिजिनल के बीच में ये मैच आज ही के डेट में होने वाला है, ठीक है। अब इस मैच को हम ओपन कर लिए, यहाँ पर क्रिएट टीम पर क्लिक किए, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं गलती जो करते हैं आप, जैसे कि फ्लिपसाल्ट हो गया, इसको आप अपने टीम में रखोगे, और इसी तरह से यहाँ पे डिलाउस है, इसको रखोगे, और यहाँ पे जो भी मतलब कि हाईएस्ट सिलेक्शन वाले प्लेयर होंगे उन्हीं को लेकर के आप अपने टीम में अपनी टीम बना लोगे, एक टीम बनाओगे। और वहाँ पे ये तो आप पहली गलती कर दी कि आपने जो टीम बनाया है हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को लेकर के, पूरे के पूरे ऑलमोस्ट सारे प्लेयर जो है आपके टीम में हाई सिलेक्शन वाले हो गए, ठीक है। इसके बाद में जब आप कैप्टन वाइस कैप्टन करोगे तो जिनका कैप्टनसी सिलेक्शन हाईएस्ट होता है उन्हीं को आप कैप्टन कर लोगे, वाइस कैप्टन कर लोगे, तो दूसरी गलती ये है, ठीक है। और एक और मैं आपको जो हर बंदा गलती करता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो गलती है आपका क्या,
कि आप पिच रिपोर्ट के अच्छे से नहीं समझते हो, ठीक है, इसी के कारण जो है आपका हमेशा और हमेशा लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। चलिए अब सीधे बात करते हैं कि टीम हम कैसे बनाएंगे, इन सारे प्लेयर्स में से कैसे पहचानेंगे कि कौन प्लेयर हमारे लिए ग्रैंड लीग का बेहतरीन पिक है, ठीक है। तो इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत है जो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। एक तो आपको मिलेगा क्रेश, ठीक है, क्रेश नाम का एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि ये हो गया क्रेश नाम का, ये भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको अपकमिंग मैचेस दिख जाएंगे, जैसे कि लंदन एस्पिरिट मैनचेस्टर ओरिजिनल के बीच में ये मैच आज ही के डेट में है, वो आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। कोई भी मैच हो, जिसका जो भी मैच में आपको टीम बनाना है उस मैच को ओपन करेंगे, ठीक है। और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऊपर की ओर मिल जाएगा, किस ग्राउंड पे मैच होने वाला है, जैसे कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे ये मैच होने वाला है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिटेल्स मिलेंगे। बाकी आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, दोनों टीमों का रिसेंट फॉर्म आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो मतलब कि टीम है इसमें कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है, ठीक है। ठीक उसी के नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा हेड टू हेड। तो लंदन स्पिरिट का जो टीम है दो मैच को विन किया है और मैनचेस्टर एक मैच को विन किया है। लास्ट के जो इन दोनों के बीच में मैच हुआ है वो तीन ही मुकाबले हुए हैं, जिनमें से एक यहाँ पे मैनचेस्टर और दो यहाँ पे लंदन स्पिरिट। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में से लंदन स्पिरिट का जो टीम है मतलब कि ये स्ट्रांग है, ठीक है। इसी के फेवर में आपको टीम बनाना है। यहाँ तक आपने समझ लिया, ठीक है। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगे। अगर आप अच्छे से यहाँ पे फोकस करके चलते हो तो आपकी टीम बहुत यूनिक बनेगा, ठीक है। फिलहाल जो मेन टॉपिक्स है हम उसे कवर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वेदर रिपोर्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाएगा। मेन पॉइंट जो है यहाँ पर है, देखो बॉलिंग स्टैट्स, ठीक है। अब इस ग्राउंड की स्टैट्स जो है यहाँ पे 10 मैच में यहाँ पे देखो पेसर्स ने कितने विकेट्स निकाल रहे हैं, 72, और यहाँ पे स्पिन जो बॉलर हैं वो कितने निकाल रहे हैं, 54, ठीक है। तो एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है पेसर्स गेंदबाज को, स्पिन को भी वहाँ यहाँ पे हेल्प मिल रहा है, तो स्पिनर्स को भी रखेंगे, ठीक है। जहाँ पे हम पाँच मतलब कि बॉलर्स को रख रहे हैं वहाँ पे क्या करेंगे, पाँच बॉलर्स पे में तीन पेसर्स को रखेंगे और दो स्पिनर्स को रखेंगे, ऐसा करके हम अपनी टीम कम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए। अब देखो और मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ जिससे आपको पूरा मतलब कि समझ में आ जाएगा कि ये ग्राउंड जो है किसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिसेंट मैचेस जो है यहाँ पे आप देख लो इस ग्राउंड पे, ठीक है। रिसेंट मैचेस ऑन वेन्यू, ऑल मैचेस पे क्लिक करोगे तो सारे मैचेस दिख जाएंगे। बाकी यहाँ पे हम दो तीन मैच से आपको पता मतलब कि लगा देंगे कि इस ग्राउंड पे कितने स्कोर बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो इस मैच में 147 का स्कोर बना हुआ था फर्स्ट बैटिंग करते हुए, और यहाँ पर देखो 113 का इस मैच में, और इस मैच में कितना 94 का स्कोर बना हुआ था। तो तीन जो मैच है यहाँ पे रिसेंट का आपने देखा, तीनों में लो स्कोरिंग मैचेस हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मैच है ये बिल्कुल मतलब कि आपको लो स्कोरिंग यानी कि ये जो ग्राउंड है बॉलिंग के फेवर में होने वाली है, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया, बॉलर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और टीम कौन स्ट्रांग है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरी एप्लीकेशन क्या है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे एडवांस क्रिकेट एक एप्लीकेशन है, इसको आपको ओपन करना है, ठीक है। ये भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा, और यहाँ पे देखो जो अपकमिंग मैचेस है वो आपको ऊपर दिखेंगे, जैसे कि लंदन स्पिरिट और मैनचेस्टर मैंने आपको वहाँ पे ड्रीम इलेवन पे दिखाया है, ठीक है। इस मैच को हम ओपन करेंगे, इसमें आपको तीन सेक्शन मिलेंगे, सिंपल रिकॉर्ड, इनिंग वाइज रिकॉर्ड और एडवांस रिकॉर्ड। तो ये इनिंग वाइज रिकॉर्ड और एडवांस रिकॉर्ड है, इसको आपको यूज करने के लिए इसमें सब्सक्रिप्शन लेना होगा, बट हमें यहाँ पर सिंपल रिकॉर्ड है यही काम की चीज़ें हैं, हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्लेयर्स का फॉर्म देखेंगे, ठीक है। प्लेयर्स का फॉर्म आप कहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ पे प्लेयर फॉर्म है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ रिसेंट के जो मैचेस है वो देख लीजिए, ठीक है। रिसेंट मैचेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लंदन स्पिरिट के सारे प्लेयर जो है सिक्योर्ड में जितने प्लेयर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। बाकी मैनचेस्टर की जो भी प्लेयर है वो आपको इस सेक्शन में दिख जाएंगे, ठीक है। तो जिसका भी देखना है, जैसे कि हमें लंदन स्पिरिट का जो है इसका देखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसी एक प्लेयर्स को देखेंगे, जैसे कि नाथन इल्स हो गया, इसे भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो सारे के सारे प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अगर बैटिंग सेक्शन से आपको देखना है तो बैट्समैन
को देख सकते हो, बॉलिंग सेक्शन से देखना है तो बॉलर्स को देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, आंद्रे रसेल एक ऑलराउंडर प्लेयर है, हम इसे देखते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोनों स्टेट्स दिख जाएंगे, ऊपर बैटिंग का और नीचे बॉलिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो किस टाइम कितना, मतलब कि किन टीम के साथ जो ये मैच खेला है आंद्रे रसेल, ठीक है। तो ये बैटिंग स्टेट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बैटिंग का पोजीशन है, ठीक है, जो 6 नंबर पे बैटिंग कर रहा है। रन इसमें इस मैच में 12 रन किया हुआ है और 1 छक्का 1 चौका है, स्ट्राइक रेट 150 है, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए। और यहाँ पे देखो बॉलिंग में, देखो बॉलिंग में क्या है कि 1 ओवर किया इस मैच में, 4 अगस्त का जो मैच हुआ है उसमें 1 ओवर डाला। और यहाँ पे मैच देख सकते हो 0 और यहाँ पे रन 11, विकेट भी 0, ठीक है। तो ये आप समझ गए, इसमें इनको विकेट नहीं मिला है। तो कहाँ पे विकेट मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसका रिसेंट फॉर्म आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जिनका फॉर्म अच्छा होगा उसको आप, जिनका फॉर्म अच्छा होगा उनको आप अपने टीम में रखोगे, और जिनका फॉर्म मतलब कि अच्छा नहीं है उनको आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे समझ गए। अब देखो प्लेयर्स का फॉर्म आपको देखना है, फॉर्म पे क्लिक करोगे प्लेयर फॉर्म पे, ठीक है, और दोनों टीम आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे किसका, फ्लिपचार्ट का फॉर्म चेक करना है तो फ्लिपचार्ट पे क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सबसे अच्छा चीज़ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फ्लिपचार्ट देखो रिसेंट के मैच जो हुआ है उसमें कितना रन किया हुआ है, तो 34, 7, 16, 0, 25, 47, 17। तो यहाँ से आप फॉर्म देख सकते हो, जिनका फॉर्म अच्छा होगा उसको आप अपने टीम में सीधी सी बात है रख लो, ठीक है, और जिनका फॉर्म गड़बड़ है उसको आप ड्रॉप करो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये दोनों चीज़ें आपको आप इसी तरह से आप यहाँ पर, एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, बॉलर्स का भी देख सकते हो, जैसे कि नाथन इल्स है, नाथन इल्स का यहाँ देखो विकेट, यहाँ पे देखो रिसेंट में जो मैच, लास्ट वाली मैच है उसमें 1 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2, यानी कि फॉर्म काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो नाथन इल्स को आप अपने टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको और प्लेयर को दिखा सकता हूँ, बट इसी तरह से आप और प्लेयर को देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, प्लेयर ऑन स्टेडियम, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस ग्राउंड पर कैसा फॉर्म है प्लेयर का, किस तरह से मतलब कि बैटिंग से एवरेज है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे बैटिंग वाले सेक्शन में बैट्समैन दिखेंगे, बॉलिंग वाले सेक्शन में बॉलर्स दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि बॉलर्स को हम देखें देख रहे हैं, तो आंद्रे रसेल है, ठीक है, आंद्रे रसेल को हमें देखना है। इस पर आपको क्या करना है, आंद्रे रसेल को यहाँ पर देखो, ये 100 में 3 मैचेस खेला हुआ है, ठीक है, 3 मैचेस में यहाँ पे देख सकते हो 1 विकेट मिला है बॉलिंग से, ठीक है। और बैटिंग से अगर देखें तो आंद्रे रसेल यहाँ पे 100 में 3 मैचेस खेला और 17 रन, टोटल 17 रन किया हुआ है। तो रसेल का जो फॉर्म है उतना अच्छा नहीं है इस ग्राउंड पे, तो आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से नाथन इल्स है, यहाँ पे देखो 100 में 9 मैच खेला, और यहाँ पे ये बैटिंग का स्टेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, नाथन इल्स का 100 में 9 मैच में इनको यहाँ पे 2 रन, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर बॉलिंग पर देखोगे नाथन इल्स का, तो इनका स्टेट्स अच्छा होगा, ठीक है। नाथन इल्स 100 में यहाँ पे देखो 9 मैच खेला है, 7 विकेट है, ठीक है। तो ये प्लेयर्स को आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। इस तरह से प्लेयर्स का डाटा देख लोगे और कौन प्लेयर मतलब कि अच्छा है, किसका फॉर्म अच्छा है, कौन विकेट्स अच्छे से निकाल रहा है ग्राउंड्स पे, उसको आप अपने टीम में रखोगे तो आपका टीम यूनिक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो टीम है बनाओगे तो वो टीम आपका जो है बिल्कुल मतलब कि यूनिक और सेफ बनेगा, ठीक है। एक और ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, देखो जब आप टीम बनाओ तो जहाँ पे 11 प्लेयर्स को अपने टीम में रख रहे हो वहां पे कम से कम 4 प्लेयर्स को, रिस्की प्लेयर्स को आपको अपने टीम में रखना होगा, जो आपको 30% से नीचे का सिलेक्शन वाले प्लेयर होंगे, ठीक है, तभी आपका टीम यूनिक बनेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन जब बनाना तो एक को सेफ रख सकते हो, कैप्टन को या फिर वाइस कैप्टन को, और एक को आप रिस्क में डालोगे, ठीक है, यानी कि जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम कैप्टेंसी से मतलब कि कम होगा, ठीक है, कैप्टेंसी के लिए उसको आप अपने टीम में रख सकते हो, ठीक है। इस टीम में आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो ये ग्रैंडलिक का ट्रिक है, इस ट्रिक को यूज करोगे तो आप अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मन में कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।